रात को 1 बजे मैंने ये मूवी देखना स्टार्ट किया, तो करीब करीब 3 बजे ये मूवी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टिक होके रह जाता है, और डायरेक्टर ने बिना किसी कम्युनिटी की तरफदारी लिए हुए, यानी किसी भी एक तरफ ये बायस नहीं होती है, बिल्कुल भी अनबायस मूवी है, और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हेट को डिस्क्राइब किया इस पूरी मूवी में, जो कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल सटीक बैठती है। हालांकि जो हेटरिज्म थी लोगों के अंदर वो कई सालों से थी, यानी कि ये हेट जनरेशन से चली आ रही है, लेकिन आज की तारीख में हमें हेट साफ साफ नजर आती है। कहीं ना कहीं जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो हमको ऐसा लगेगा हाँ यार, हर एक चीज जो इसमें बताई जा रही है वो सच्चाई है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। आज हम लोग बात करें कुरुति, जो कि एक मलयालम मूवी है, एंड वाह, मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 आवर्स की, और ये आपको मलयालम लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाती है, और यार अमेजोन प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एक बस बॉलीवुड को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यार आपको क्या जरूरत पड़ती है बड़े बड़े बजट में मूवी बनाने की, भाई फॉरेन में जाके शूट करने की, जब आपके पास एक अच्छा राइटर ही नहीं है, एक अच्छा डायरेक्टर ही नहीं है, तो आप लोग चाहे किसी भी बड़े एक्टर को ले लो वो अच्छी मूवी बन ही नहीं सकती है। क्योंकि यार इस पर्टिकुलर मूवी को देखो, जहां पर आपको ज्यादा बजट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई भारी लोकेशन पे शूट हुई है, मैक्सिमम पोर्शन इस मूवी का एक घर में शूट हुआ है। मान तो यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन है, जो कि एक बिगेस्ट स्टार है मलयालम इंडस्ट्री का, लेकिन फिर भी तुम यार इस मूवी को देखो, उसके कंटेंट को देखो, खुद ब खुद शर्म आ जाएगी। खैर बात करेंगे अब इस पर्टिकुलर मूवी की स्टोरी की, तो कहानी शुरू होती है केरला की एक छोटी सी जगह पे, जो कि एकदम कट ऑफ है शहर से, बिल्कुल भी कट ऑफ है, और इस जगह पे रहता है इब्राहिम अपने फादर मूसा और अपने छोटे भाई रसूल के साथ। अब इब्राहिम के साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो आप लोग इस मूवी में देख लोगे, इस वजह से इब्राहिम चाहता है कि मरने के बाद वो भी जन्नत में जाए, तो वो सब अच्छी चीजें ही करना चाहता है। बट इब्राहिम के पड़ोसी है एक हिंदू फैमिली, जिसमें हमें एक भाई बहन नजर आता है। अब वो जो हिंदू लड़की, वो इब्राहिम के घर में डिनर बना के रोज लेके जाती है, और इनकी लाइफ किसी भी तरह से चल रही थी। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, जब एक रात इब्राहिम के घर एक पुलिस ऑफिसर और एक क्रिमिनल आ जाते हैं। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं इस मूवी के लिए एक चीज बोलूंगा कि 45 मिनट तक अगर इस मूवी का जो मेन सुपरस्टार है उसकी एंट्री ना हो, फिर भी वो मूवी इतनी एंगेजिंग हो, इतना कुछ अपने अंदर समेट के रखा, और हम लोग बस देख रहे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो एक परफेक्ट मूवी होती है। पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री ऑलमोस्ट 44 मिनट और कुछ सेकंड्स के बाद होती है, लेकिन यकीन मानो उससे पहले आपको एहसास तक नहीं होता कि इस मूवी में पृथ्वीराज है या वो कब आएगा, इतनी एंगेजिंग है। और वो जो टेंशन का माहौल उन्होंने जो बिल्डअप करना स्टार्ट हुआ, और वो 45 मिनट के बाद भाम करके जो फोड़ा है, और उसके बाद तो भाई आप समझ नहीं पा रहे कि यार मूवी को किस तरह से लोग आगे बढ़ा रहे। और आजकल का जो माहौल है, यहाँ पर मम्मू को यार जिसने मूसा का रोल प्ले किया है, उनका एक डायलॉग लास्ट में कि भले इंसान भूखा मर रहा हो, इंसान का घर लीकेज हो रहा हो, उसको पता है कि वो सारी चीजें करने के बाद जेल में जाएगा, लेकिन फिर भी वो किसी भी हाल में चाहता है कि अपने दुश्मन का खात्मा हो। इट इज द पावर ऑफ हेट। बाप अपने बेटे को पढ़ना नहीं सिखाएगा, लेकिन उसको ये चीज जरूर सिखाएगा कि किससे नफरत करना चाहिए। ये चीज जनरेशन से कंटिन्यू होती आ रही है, और इंसान मर जाता है लेकिन उसके अंदर की हेट कभी नहीं मरती है। और ये एक डायलॉग आपको पूरी तरह से हिला देगा। हालांकि मम्मू को है कि जितने भी डायलॉग्स है इस मूवी में, वो तो मैं बोल ही नहीं सकता भाई, वो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, और इतने सटीक डायलॉग्स बोले हैं ना, जहां पर कहीं पर आपको हंसी भी आती है, कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो एकदम कस के छमाटा मार रहा है आजकल के सोसाइटी के लोगों को, और उस सोसाइटी में मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो छमाट मुझे भी पड़ रहा है। और इस तरह की मलयालम मूवी को अगर आप लोग एनकरेज ना करें, आगे ना बढ़ाए, लोगों तक ना फैलाए, तो भाई ये बहुत ही शर्म की बात है, और ये हर एक इंसान को ये मूवी देखना चाहिए। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो इब्राहिम, जिसको यहाँ पर प्ले किया रोशन मैथ्यूज ने, उनका कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिस तरह से उस कैरेक्टर को यहाँ पर प्रेजेंट किया ना, कि यू विल फेल लव विथ हिम यार, मतलब वो कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा रहता होगा मुस्लिम लोगों को लेकर, लेकिन इब्राहिम एक ऐसा कैरेक्टर है जो असली मुस्लिम को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, और रियल अगर कोई मुस्लिम हो ना तो वो बिल्कुल इब्राहिम जैसा ही होगा। मैं यहाँ पर लाइक की बात नहीं कर रहा, लाइक इज नॉट ए रियल मुस्लिम, मैं यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पर जो दूसरे कैरेक्टर जैसे कि लाइक हो गए, मूसा, रसूल और वो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर, इनको इतनी अच्छी तरह से लिखा है, कहीं ना कहीं आपको इनके अंदर एक रियलिटी नजर आती है, समाज का एक आईना नजर आता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की बहुत अच्छी है, पूरी की पूरी मूवी
रात को मैक्सिमम पोर्शन रात को शूट हुआ और एक घर में शूट हुआ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लाइटिंग का यूज किया ना मजा आ गया। लेकिन एक नेगेटिविटी भी मुझे फील हुई कि वो कि जो क्लाइमेक्स का जितना भी पोर्शन है वो मुझे लगता है कि दिन में शूट हुआ, लेकिन उन लोगों ने VFX के थ्रू उसको रात कर दिया, तो वो चीज थोड़ी खराब हो गई। मतलब उस सीन को वो लोग रात में ही शूट करते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। मूवी का BGM बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यकीन मानो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लूंगा मम्मू कोया, जिसने यहाँ पर मूसा का रोल प्ले किया। उस ओल्ड मैन ने क्या एक्सप्रेशन दिए, क्या डायलॉग डिलीवरी किया, मजा आ गया। रोशन मैथ्यूज वन ऑफ दी प्रॉमिसिंग एक्टर्स ऑफ मलयालम इंडस्ट्री, उनकी मैं ये चौथी मूवी देख रहा हूँ, हर एक मूवी में बंदे ने इम्प्रेस ही किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन की बात करो तो भाई इस तरह से उन्होंने लाइक के कैरेक्टर में खुद को ढाला है। भाई एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसे लगता है ना कि ये पृथ्वीराज, हमको लगता है कि वो लाइक ही है। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर थे सब लोग ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया। डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे इस मूवी का। यार मैं मनु और जो कि इस मूवी को डायरेक्ट किया उनको बहुत ही बहुत बधाई देना चाहूंगा, इस तरह की मूवी आपने बनाई है। और राइटर जो इस मूवी के, यार मतलब कितनी तारीफ करो उतनी कम है। ओवरऑल इट्स अ मूवी जो सबको देखना चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, इस मूवी में अश्लील सीन्स कुछ नहीं है, लेकिन वो जो खून खराबे के सीन है, जो ब्लड शेड के सीन है, वो जो एसिड मुंह पे गिर जाता है वो बहुत ही हॉरिफिक है। और वो बच्चे और बुजुर्ग ना देखे तो बहुत बेटर है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 9 out of 10। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।